कैसा लगा? ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। और कुछ नहीं चाहिए, बस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो ये है हमारा। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आज की वीडियो में हमारे पास एक चीज़ बनाने को है, उसको कहते हैं टेंसेग्रिटी स्कल्पचर। ये बेसिकली एक छोटा सा साइंस प्रोजेक्ट है जो टेंशन के ऊपर काम करता है, जो फिजिक्स में हमने नहीं पढ़ा था, टेंशन्स के जो लॉज हैं ये उसके ऊपर काम करता है। तो इसको हम अभी इस वीडियो में बनाएंगे। ये मतलब ना, हम इससे कोई काम नहीं लेंगे, बस इसको बना के अपने रूम में या किसी जगह पे, इस तरह कोई अच्छी जगह होती है ऑफिस वगैरह के लिए, इसको रख देंगे। एक अच्छा सा पीस भी बन जाता है, शो पीस भी बन जाता है। और इसमें जो चीज़ें यूज़ होंगी, ये कुछ वुड्स हैं जो इस तरह मैंने काटे हैं इनको, ठीक है। और टेंशन की बात हुई है, फिज़िक्स में जो टेंशन हमने पड़ी थी उसमें स्ट्रिंग का यूज़ होता है, तो ये स्ट्रिंग हम इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये कुछ नट बोल्ट्स हैं, इनमें से भी कुछ इसमें यूज़ होगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, थैंक यू। तो चलें अब वीडियो शुरू करते हैं। तो चलें, इनके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। ये मैंने किस तरह कट किया, पहले जो आते हैं ना वो ये है, ये दोनों हैं, ठीक है। ये एक ही साइज़ के हैं, ठीक है, तो ये एक ही साइज़ के हैं, ठीक है, ये दोनों। अब इनमें 23 सेंटीमीटर्स हैं दो। इनके बाद दो और काटे हैं जो इनसे थोड़े छोटे हैं, ठीक है। ये देखें, ये इनसे थोड़े छोटे हैं, ठीक है, ये दो हो गए। ये एक ही साइज़ के, ये 20 सेंटीमीटर्स हैं। और इसके बाद इनसे छोटे जो है ना वो चार और हैं, ये दो और ये दो, ये चार पीसेस बन गए, ठीक है। और लास्ट में ये दो, ठीक है, एक साइज़ के। तो इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, एक दो तीन ये चार, ठीक है। मेजरमेंट समझ में आ गई, आप किसी भी साइज़ के किसी भी साइज़ का बना सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो इनको मैं एक साथ जोड़ूंगा, वो भी ग्लू लगाते लग, ठीक है, ग्लू के ज़रिए। तो पहले हम क्या करते हैं, टी शेप बनाते हैं, ठीक है, टी शेप। इस तरह टी शेप बनाएंगे पहले हम। तो इस पर मैंने निशान लगा दिया, ये मेरा सेंटर पॉइंट है, ठीक है। और इस पर हम थोड़ा सा इस तरह ग्लू लगाते हैं। ये एक टी शेप बन गया हमारा, और एक दूसरा टी शेप बनाएंगे, जो सबसे बड़े वाले थे ना 23 सेंटीमीटर के, ये दोनों मिसाल, ये दो एक साइज़ के हैं, तो टी शेप इन दोनों में से ही बनेगा, ठीक है ना। तो एक ये हमारा बन गया, दूसरा बनाते हैं। ये दो टी शेप बन गए, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको इस तरह लगाएंगे, इसी के टी शेप में, ये इस तरह, और एक और इस तरह।
ये एक हमारा बन गया, ठीक है, दूसरा फिर इस तरह इसी तरह का ही बनेंगे। ये हमारा टी शेप बन गया, ठीक है, इस तरह, ये टी शेप की तरह दिखता है अगर इस तरह देखें तो। फ्रेम में नहीं है ना, तो ये इस तरह होगा, ठीक है। अब इन दोनों में से एक इसमें लगेगा और दूसरे, ये दो बोल्ट्स हैं, इन दो बोल्ट्स को हम यूज़ करेंगे इन जगहों पे लगाने के लिए इस तरह, ठीक है, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे। इसमें हम स्ट्रिंग को लगाएंगे, ठीक है, इसको लगाएंगे, ठीक है, इसमें से इसमें फिक्स करेंगे इसको ऊपर। अभी ये हमारे 2 बजते हैं, ठीक है, इन दोनों में भी एक एक लगाएंगे इस तरह बोल्ट, ठीक है। इन दोनों में भी लग गया, ठीक है। अब इसको हम इस तरह यहाँ पे उल्टा करके इधर लगाएंगे, ठीक है, इसमें ये फिर कुछ इस तरह बन जाएगा। ये फिक्स कर दिया मैंने, ठीक है, इसको ग्लू लगा दिया। ये कुछ इस तरह होगा, ठीक है, यहाँ इसमें स्ट्रिंग्स लगेंगे। मैं फ़ोन का ना एंगल चेंज करके वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, फिर आपको सही दिखेगा। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग फिक्स कर दिया है, ठीक है, इस तरह, लेकिन ये पूरा नहीं एंड करूँगा इसको, मैं थोड़ा सा काट दूँगा यहाँ से, लेकिन दूसरे वाले को इसी में फिक्स करेंगे। ये जो है ना, ये इसी के साथ ही फिक्स होगा यहाँ पे इस तरह हो गया, ठीक है ना, इस तरह ऊपर। सही है, ये एक इसमें फिक्स कर दिया हमने, ठीक है, और एक इधर रहेगा इसमें। तो ये यहाँ पे भी बैलेंस नहीं हो रहा मुझसे, ठीक है, गिर जाता है बार बार। तो ये है हमारा 10th सैग्रिटी स्कल्पचर, जो कि पूरा का पूरा टेंशन के ऊपर रिलाई करता है। टेंशन वो जो ज़िंदगी में मिलती है वो नहीं, जो टेंशन हमने पढ़ी है ना फिजिक्स में, वो वाली टेंशन, ठीक है, जिसमें स्ट्रिंग्स का यूज़ होता है, जैसे ये स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है,
तो ये पूरा का पूरा जो है ना स्ट्रिंग्स के ऊपर रिलाय कर रहा है, जिसके जो क्या करता है टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ये देखो, ये कुछ इस तरह है, इसके बाद हो जाता है इस तरह। बस प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।